खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां बिलोचिया ग्राम पंचायत में मनरेगा में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसको लेकर एसडीएम को सीएम और डिप्टी सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल ग्रामीणों ने मनरेगा में फर्जी तरीके से भुगतान उठाने और पात्र श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने सहित मनरेगा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। नरेगा में सर क्या हुआ कि एक तारीख को यहाँ पखवाड़ा लगा था 50 आदमियों का, उसमें 7 नंबर वार्ड के ही व्यक्ति थे। उस सूची को मैंने व्हाट्सएप कर दिया सरपंच जी के कहने पे कि आप नरेगा के जो अपने ऑपरेटर लगे हुए शिवरतन सोनी उनको आप व्हाट्सएप कर दो। मैंने व्हाट्सएप कर दी सर, उसकी मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। इन्होंने क्या किया सर, वो कुछ विवाद हो गया था वहाँ पे शिव मंदिर के पास। क्या विवाद हुआ था वहाँ पे? वहाँ सर मास्क लगाने के बारे में विवाद हो गया था, शिव जो ऑपरेटर है उसका और एक गाँव वाले का। तो उन्होंने झूठा मुकदमा करके मेरा नाम उसमें डाल दिया सर, वो राजीनामा भी हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो अपने 30 बंदों का नाम, ये ऑपरेटर ने और सेक्रेटरी ने सब ने मिल के, जेटीओ ने सब ने मेट ने मिल के ये 30 बंदों की पेमेंट उठा ली सर। और आप उनके जाके देखो सर, उनके मतलब कंडीशन ये है कि वो खाद्य सुरक्षा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।